जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है तेलुगु सृजन स्पिरिचुअल में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी यह लाइव चर्चा आपके सामने शुरू हो रहा है, आपके समक्ष। और आज का जो विषय है बहुत गंभीर विषय है। कई बार लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं और कई बार हमने इस चैनल पर चर्चा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन काफी समय बाद दोबारा इस चर्चा को लिया जा रहा है कि क्या ग्रहों का प्रभाव जीवन पर पड़ता है, और पड़ता है तो कैसे पड़ता है, किस प्रकार से पड़ता है। तो यह प्रश्न कई बार करते हैं, कई बार लोग करते हैं और इसको समझने का प्रयास भी करते हैं, और मैंने भी समझने का प्रयास इसको किया है और समझाने का प्रयास भी किया है। तो आइए इस पर हम चलते हैं। ग्रहों का प्रभाव हम पर पड़ता है नहीं पड़ता है ये छोड़ दीजिए आप, हम कुछ और चीजों पर चर्चा करते हैं जिससे कि हमें ये बात समझने में सहायक हो पाएगी, सुविधा होगी कि ये बात हमें अच्छे से भली भांति समझ में आए। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि प्रयोगात्मक रूप से जब तक हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो ये समझ में नहीं आता। जब तक उसका प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल फॉर्म हमारे सामने नहीं होता है या प्रैक्टिकली हम उसमें इन्वॉल्व ना हो जाएं तो हमें समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि कुछ चीजें इसी तरह से ही होती है, वो सूक्ष्म होती हैं बहुत और इंद्रियों से परे होती हैं, अव्यक्त तरीके से वो काम करती हैं, इसीलिए हम उनको भली भांति कई बार नहीं समझ पाते, लेकिन वो चीजें फिर भी होती हैं, एग्जिस्ट करती है। हमारा जीवन कई चीजों से प्रभावित हो रहा होता है। हाँ, अब एक यहाँ पर बात जरूर आती है कि कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है या प्रभाव महत्वपूर्ण है। दोनों अपनी जगह पे महत्वपूर्ण कैसे है आज हम इस चर्चा में देखेंगे। यह भी सुनेंगे कि ग्रहों का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, और पड़ता है तो कैसे पड़ता है, और कर्म सिद्धांत फिर क्या हुआ। जब सब कुछ कर्म से ही मिलना है तो ग्रहों के प्रभाव का क्या मतलब भैया, कोई मतलब नहीं निकलता फिर तो। यह भी एक प्रश्न उठता है। तो चलिए इस विषय पर हम चर्चा कर लेते हैं। कर्म को भी यहाँ पर ले आएंगे साथ में, और साथ में ग्रहों को भी चर्चा कर लिया करते हैं। चलिए, तो ग्रहों का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है वो अभी रहने दीजिए। पहले ये बताइए कि अगर कोई समुद्र के किनारे रहता है, कोई समंदर के किनारे अगर रहता है, उसका घर जो है बीच एरिया में है, बीच मतलब समुद्र के एरिया जहां पर सागर है, समुद्र है, उस एरिया में अगर उसका घर है तो उसके जीवन पर, उसके विचारों पर, उसके जीवन पर, उसके खान पान पर, उसके रहन सहन पर समुद्र का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। प्रश्न ये है, अगर कोई व्यक्ति पर्वत पर रहता है, हिमालय के गांवों में रहता है, पहाड़ों पर रहता है, तो पहाड़ों का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताइए। क्योंकि वो पहाड़ों पर रहता है, उसका जीवन शैली, उसका लाइफ स्टाइल, उसका खान पान और उसका थॉट प्रोसेस, उसके सोचने के ढंग पर भी कहीं ना कहीं पहाड़ों का प्रभाव भी पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं पड़ने का प्रश्न है, ठीक है। तो ये पहले तो ये समझिए, मान लीजिए कि आप जिस घर में रहते हैं उस घर के बगल से गंदा नाला बहता हो। कई लोगों के घर ऐसे हो जाते हैं जो गंदे नाले के बगल में होते हैं, बेचारे बहुत परेशान होते हैं दुर्गंध से। अब क्या हुआ कि उनका जो डाइनिंग हॉल है उसकी जो खिड़की खुलती है वो भी गंदे नाले के साइड में खुलती है। अब जैसे ही खाना खाने बैठते हैं बदबू दुर्गंध आती रहती है, और कितना भी स्वादिष्ट खाना हो उनको खाने का मजा नहीं आता, वो परेशान हो जाते। तो उन्होंने क्या किया कि फिर सारी खिड़कियां जो थी वो सील करवा दी उस साइड की, नाले से कोई उपाय नहीं था इसके अलावा, बंद करवा दी उस साइड की, ठीक है। तो अब बंद करवा दी तो अब बेचारे क्या करें, बंद करनी पड़ी, मजबूरी थी, लेकिन प्रभाव तो आ रहा था। तो ये तो साफ दिखने वाले प्रभाव, साफ साफ दिखने वाले प्रभाव, ठीक है, जो हमारे चीजें हैं। तो सर्वप्रथम की जो इंद्रियां ग्रहण कर रही हैं वह पूर्ण तो नहीं है, इंद्रियां जो भी ग्रहण कर रही हैं वो पूर्ण नहीं है,
यह बात विज्ञान भी मानता है, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव आता है कि नहीं आता है ये आप नहीं देख पाते हो इन आंखों से। आप तो इंटरनेट के वेव्स भी नहीं देख पाते आंखों से, माइक्रोवेव्स को भी आप नहीं देख पाते इन आंखों से, आपकी आंखों के अंदर देखने की क्षमता नहीं है। लेकिन ग्रहों का प्रभाव आता है कि नहीं आता है, किस रूप में आता है, यह आप अपनी आंखों से देख पाओगे, यह जरूरी है कि नहीं है, नहीं संभव है कि आप अपनी आंखों से ग्रहों के प्रभाव को देख पाओ, लेकिन आता है। नाला आपके घर में तो नहीं बह रहा ना, नाला बगल में बह रहा है, वहां से दुर्गंध आ रही है, आपकी नासिका ग्रहण करती है, ठीक है। तो इंद्रियों की क्षमता सीमित है, इंद्रियों की क्षमता सीमित है, हमारी आंखें जो है अल्ट्रावायलेट रेज को नहीं देखती, मनुष्य की आंखें। कुछ जानवर ऐसे हैं, कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज को देख लेती है, कुछ इंफ्रारेड रेज को भी देख लेती है, लेकिन मनुष्य नहीं देख पाता है, मनुष्य की आंखें नहीं देख सकती, ठीक है। तो जो आपकी इंद्रियां हैं वो कंप्लीट नहीं है, वो पूर्ण नहीं है, और ना वो पूर्ण देखती है। प्रभाव तो हमारे ऊपर कई चीजों का पड़ता है जिसे हम देख भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते, और हम उस वस्तु से प्रभावित तो हो रहे होते हैं क्योंकि वो हमारे इंद्रियों के परे होती है। सिर्फ ग्रह ही नहीं है और भी कई चीजें हैं, सिर्फ ग्रह ही नहीं है और भी कई चीजें हैं जिनको हम नहीं देख पाते, नहीं अनुभव कर पाते अपने इंद्रियों से, क्योंकि इंद्रियों की क्षमता सीमित है। और इंद्रियों की क्षमता सीमित है, इस बात को समझने के लिए गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, बायोलॉजी पढ़ लीजिए, बायोलॉजी आपको बता देगी कि जो दुनिया है, जो विजन्स हैं, जो वर्ल्ड है, अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग, एक जैसा नहीं है। सबको सात रंग की दुनिया नहीं दिखाई देती है, कुछ को तीन रंग की दिखाई देती है, कुछ को दो रंग की दिखाई देती है, और कुछ को नौ रंग की भी दिखाई देती है, कुछ को आठ रंगों वाली भी दिखाई देती है, मनुष्य को सात रंगों वाली दिखाई देती है। इसी प्रकार से ऑडिबिलिटी है, श्रवण क्षमता है, उसमें भी आपकी कमी है, कुछ जीव बहुत कुछ सुन सकते हैं। अब चमगादड़ जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स, साउंड वेव्स के थ्रू इमेज क्रिएट करता है, अर्थात देखता है, जिन तरंगों से हम सुनते हैं उन तरंगों से वो देखना शुरू कर देता है, अर्थात वो एक इमेज बना लेता है उन तरंगों को पकड़कर, रिफ्लेक्शंस को, साउंड वेव्स की जो रिफ्लेक्शंस है उसको पकड़कर, ठीक है। तो इसीलिए इंद्रियों की सीमा निश्चित है, पहली बात तो ये आप स्वीकार कीजिए। यह अद्वैत वेदांत भी इसे कहता है कि इसीलिए संसार को मिथ्या माना गया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसलिए भी इसकी मान्यता, ठीक है। तो पहले तो हम इस विषय को थोड़ा सा समझ लें कि यह क्या है, और उसके बाद इंद्रियों का विषय। अब हम आते हैं प्रभाव के। तो जैसे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में अगर आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होती हैं। अब बिजली के अंदर तार, तार के अंदर बिजली गुजरती है तो चारों तरफ मैग्नेटिज्म को क्रिएट कर देती है, यह भी हमने सुना है। तो जिन्होंने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा होगा वो इस नियम को जानते होंगे, बेहतर तरीके से समझते होंगे, ठीक है, कि कैसे एक डायरेक्शन में वह जो है मैग्नेटिज्म को क्रिएट करती है, वायर से जब गुजरता है इलेक्ट्रिसिटी करंट, तो दिखाई तो नहीं देती, दिखाई तो वह भी नहीं देती, लेकिन वो काफी दूरी तक उसका प्रभाव बना रहता है, उस मैग्नेटिज्म का प्रभाव बना रहता है। तो इसी प्रकार से यह जितने भी ग्रह हैं वह निश्चय ही वो अपने तक सीमित नहीं है, ना पृथ्वी सीमित है ना दूसरे ग्रह सीमित है, वो घूम रहे हैं सब मोशन में, क्या है, सब मोशन में। तो सबके सब मैग्नेटिज्म 100% क्रिएट करते हैं, आप इससे मना नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज जो है आप नहीं कह सकते कि मैग्नेटिज्म वो क्रिएट नहीं करते, 100% मैग्नेटिज्म क्रिएट करते, सारे के सारे क्रिएट करते, सारे के सारे कई प्रकार की वेव्स और कई प्रकार की तरंगे छोड़ते हैं। इसको विज्ञान भी मानता है, इसको फिजिक्स भी मानती है, ठीक है, जितने भी प्लैनेट्स, ठीक। अब सुन लीजिए, अब क्या है कि पृथ्वी पर किसी स्थान पर कौन से ग्रह का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके मैग्नेटिज्म का या फिर उससे आने वाली रोशनी का,
जो कि सूक्ष्म रूप में आ रही है, ठीक है, सूक्ष्म रूप में वो आ रही है, जिसको हमारी आंखें पकड़ नहीं सकती है, और सूर्य का प्रभाव बहुत ज्यादा है तो उस कारण भी आंखें नहीं पकड़ सकती है, क्योंकि हमारे जो नेत्र हैं वो सूर्य की शक्ति से काम करते हैं, इसलिए नेत्रों को आंखों सूर्य आंखें जो है उसका कारक ग्रह सूर्य है, सूर्य चंद्रमा इन दोनों होते हुए दिखाई देते हैं सामने, बाकी सब ग्रह साफ साफ नहीं दिखाई देते, मंगल दिखाई देता है साफ साफ, लेकिन वो भी ढूंढना पड़ेगा आपको आसमान में आकाश में, ठीक है। तो अब किसी पॉइंट पर, क्योंकि सब मोशन में है, एवरी वन इज इन मोशन, अर्थ भी मोशन में है, सारे प्लैनेट्स मोशन में है एक्सेप्ट सन, सन को छोड़कर, लेकिन जब सब मोशन में है तो अर्थ के रेस्पेक्ट में सन भी मोशन में है, अर्थ के रेस्पेक्ट में सन भी फिर मोशन में आ जाता है, सूर्य भी फिर गति में ही होता है, ठीक, क्योंकि अर्थ ही मोशन में है। तो अब जितने भी मोशन में जो प्लैनेट हैं, हम अर्थ के चारों तरफ जो उनका मोशन बन पाता है, सूर्य का क्या मोशन बनेगा, एग्जैक्टली वही बनेगा जो अर्थ का है, ठीक है। बाकी ग्रहों के मोशन में फर्क आएगा, उनकी गणना अलग अलग होगी। अब पृथ्वी पर किस पॉइंट पर, किस प्लेस पर, प्लेस की बात, प्लेस का इसलिए एस्ट्रोलॉजी में प्लेस का महत्व होता है, ज्योतिष में, ज्योतिष क्या है, ज्योतिष सबसे पहली बात, अगर आप सनातन धर्मी हैं तो एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि ज्योतिष वेदांग है, ज्योतिष शास्त्र की श्रेणी में आता है, कौन सा शास्त्र, वैदिक शास्त्र की श्रेणी में आता है 100%, ज्योतिष जो है शास्त्र की श्रेणी में आता है, और शास्त्र है और बहुत ही प्रैक्टिकल शास्त्र है, इसीलिए प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए। हाँ, वेदांत समझिए, अद्वैत समझिए, समझना ही चाहिए, लेकिन अंधविश्वासी नहीं बनना चाहिए, फलानी चीज सही है तो फलानी चीज गलत नहीं हो जाएगी, ठीक है, यही सब, यही वैज्ञानिक विचारधारा होनी चाहिए। वैज्ञानिक विचारधारा यह नहीं होती कि हमारे गुरुजी ने यह कह दिया, नहीं जी यही सही है, यही सही है, अब हम डंडा लेकर लड़ेंगे, इसके लिए तलवार लेकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि तो हमारे गुरुजी ने तो यही इसी को सही कहा है, बाकी सब कुछ गलत कहा है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके गुरुजी भी आपको भ्रमित कर रहे हैं और आप भी 100% भ्रमित ही हो। बिना अनुसंधान के, विदाउट एक्सपेरिमेंट, आप किसी चीज का दावा मत कीजिए, और अनुसंधान तो आगे बढ़ते रहेंगे ना, आप किसी चीज को संसार के मामले में, विज्ञान के मामले में, हाँ अध्यात्म के मामले में कई चीजों को निश्चित किया जा सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक अनुभूतियां संतों की एक जैसी होती है, आध्यात्मिक अनुभूतियों के मामले में हम देखेंगे कि संतों की वाणियां आपस में मिलती हैं, लेकिन आप वैज्ञानिक अनुसंधानों के बारे में कई बार, हाँ कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान जो सही है वो सर्वमान्य होते हैं, वो चलते हैं, लेकिन कई बार दूसरे वैज्ञानिक आते हैं जो एक सिद्धांत को काटते भी हैं अनुसंधान करके, कि नहीं यह सिद्धांत बहुत सही नहीं लग रहा है, इस सिद्धांत पर चलना चाहिए, यह प्रैक्टिकली ज्यादा प्रूव हो रहा है, प्रमाणित हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बिना अनुसंधान के, बिना समझ के, पहले तो लॉजिकली एनालिसिस कीजिए कि क्या ग्रहों का प्रभाव पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता, लॉजिकल एनालिसिस कीजिए, और लॉजिकल एनालिसिस किस पर निर्भर होना चाहिए, प्रमाणों पर निर्भर होना चाहिए, कि हमें प्रमाण और अनुमान, तो लॉजिक चलता है अनुमान से, अगर बारिश हो रही है इसका मतलब आकाश में बादल होंगे, बिना बादल तो बारिश होगी नहीं, इसका अनुमान लगाया जा सकता है, अगर धुआं निकल रहा है तो अग्नि कहीं ना कहीं हुआ पैदा हुई होगी, तभी तो धुआं निकल रहा है, बिना अग्नि के धुआं नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अग्नि निकले और धुआं ना निकले, ये हो सकता है, लेकिन अगर धुआं निकल चुका है, अगर धुआं दिखाई दे रहा है, तो इस बात की 100% गारंटी है कि किसी ना किसी रूप में अग्नि जरूर है, जरूर, ठीक है। तो आज का विज्ञान ही यह प्रमाणित करता है कि ग्रहों का प्रभाव आता ही आता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर कौन सा ग्रह उस प्लेस से, उस जगह से, उस जगह से सम लेते हुए अगर हम देखेंगे,
तो कितने एंगल पर वो ग्रह है, कितने डिग्री वो बना रहा है वह ग्रह, और दूरी तो उसकी फिक्स है, डिस्टेंस उसका निश्चित है, लेकिन कितनी दूरी बना, कितने एंगल पर वो ग्रह बना हुआ है और उस एंगल से क्या प्रभाव डालेगा उस पर्टिकुलर प्लेस पर, उस जगह पर, ठीक है, क्या प्रभाव डालेगा, और उस समय जिस समय वो जैसा प्रभाव डाल रहा है, प्रभाव तो आ रहा है, प्रभाव नहीं आ रहा है इसको तो आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी नकार नहीं सकते कि प्रभाव नहीं आ रहा है ग्रहों का। ग्रहों की रेस और उनकी मैग्नेटिक फील्ड का, जो मैग्नेटिक रेस कह लीजिए उसको, ठीक है, वो नहीं आ रहा है ऐसा आप नहीं कह सकते, वो आ रहा है 100% आ रहा है। अब जो प्रभाव आ रहा सभी ग्रहों का, मुख्य जो है, हम अगर जो बहुत हमारे नजदीक ग्रह है वो 7 ग्रहों को नजदीक लिया, कुछ ग्रह एक दूसरे को बाधा भी उत्पन्न करते हैं प्रभाव देने में, जैसे कि बृहस्पति है, जुपिटर है, तो वो बाकी ग्रहों के प्रभाव को रोकता है, उसके पीछे के जो ग्रह है, नेपच्यून है, प्लेटो है, उनके प्रभाव में कमी ला देता है, और वो बहुत दूरी पर भी है तो ऐसा नहीं उनका प्रभाव नहीं, उनका प्रभाव भी है लेकिन बहुत कम, बहुत, क्योंकि उनका आकार छोटा होने के कारण और उसके कारण दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उनका भी कैलकुलेशन हो जाता है एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन उसको उतना लिया नहीं जाता। बृहस्पति तक ही मुख्य रूप से लिया जाता है, शनि तक, सैटर्न तक मुख्य रूप से, क्योंकि शनि बहुत बड़ा ग्रह, बहुत विशाल ग्रह है और उसके उपग्रहों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो अर्थ को सेंटर में लेकर, अर्थ को सेंटर में मानकर, ऐसा नहीं है कि अर्थ को सौरमंडल का केंद्र माना जा रहा है, माना नहीं जा रहा, गणना करने के लिए, ग्रहों के प्रभाव की गणना करने के लिए अर्थ को केंद्र में ले लिया जाता है, और अर्थ की अब मूवमेंट किसका लिया जाएगा, अर्थ सूर्य के चारों तरफ घूम रही है तो सूर्य का मूवमेंट ले लिया जाएगा, सूर्य की परिक्रमा वहां पर ले ली जाएगी, मान ली जाएगी, ठीक है, ये प्रक्रिया उसमें चलेगी, लेकिन सूर्य सभी ग्रहों का राजा है क्योंकि सबसे प्रभावशाली, सबको अस्त करने की ताकत रखता है, सबको अस्त करने की ताकत सूर्य रखता है, तो सूर्य को सबसे प्रभावशाली उसमें मानकर चला जाता है। सिर्फ राहु केतु जो छाया ग्रह है, जो शैडो है, जो शैडो क्रिएट होती है सूर्य और चंद्रमा से और पृथ्वी से, जो शैडो क्रिएट होती है वो राहु और केतु, वो भी साथ में मूव करती रहती है, शैडो तो क्रिएट होना है ना, सूर्य की रोशनी के सामने पृथ्वी आएगा तो शैडो क्रिएट होना है, चंद्रमा आ जाएगा तो शैडो क्रिएट होना है निश्चित रूप से। तो इन तीनों से जो शैडो क्रिएट होती है, जो छाया उत्पन्न होती है, उस छाया की भी गणना की जाती है राहु और केतु के रूप में, शैडो कहाँ कहाँ जा रही है, वो बहुत नेगेटिव एनर्जी को लेकर घूमती है, ऐसी मानी। तो अब जो है, जो ग्रह है किस पॉइंट पर, किस प्लेस पर, इसीलिए ज्योतिष जब निकालते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को पहले देखा जाता है कि उस जगह क्या है, उस पर क्या एंगल बनाकर ग्रह उस समय में पर्टिकुलर टाइम में ग्रहों का क्या एंगल था, उसको कैलकुलेट किया जाता है। कंप्यूटर आने से ये चीजें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई हैं, ठीक है, उसको कैलकुलेट किया जाता है, और उसको कैलकुलेट करने के बाद हम अपने जीवन पर पड़ने वाले 12 भाव, अपने जीवन में पड़ने वाले जो 12 भाव हैं, हमारा अपना व्यक्तित्व है, हमारा धन है, कुटुंब है, हमारा पराक्रम है, हमारा हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी माता है, हमारा प्रेम संबंध है, हमारे जो है आकस्मिक जो धन लाभ होते हैं, पुत्र है, शत्रु है, विवाह है, मृत्यु है, रोग है, ऋण है, धर्म है, भाग्य है, भाग्य है हमारा, फिर कर्म है, फिर आय है, इनकम है, प्रॉफिट है, फिर एक्सपेंडिचर है, इन सारे भावों को हम इसमें उन ग्रहों के प्रभाव को देखते हैं कि अगर इस ग्रह का प्रभाव आ रहा है तो क्या, ये ज्योतिष का विषय है। ग्रहों का प्रभाव 100% पड़ता है, यहां तक तो एस्ट्रोनॉमी था, और जहां पर हमने उसके फल की गणना शुरू कर दी कि किसका कितना प्रभाव पड़ रहा है और वो किस तरह के भाव उत्पन्न करेगा, भाव 100% उत्पन्न करेगा ही करेगा, क्योंकि संपूर्ण संसार भावमय है, संपूर्ण संसार भव सागर है, प्रत्येक वस्तु आपके अंदर भाव उत्पन्न करती है, भाव ही तो संसार है, भाव ही संसार, प्रत्येक वस्तु आपके अंदर भाव उत्पन्न करती ही करती है, वो नकारात्मक हो सकता है, वो सकारात्मक हो सकता है,
वो क्रोध को बढ़ा दे, वो मोह को बढ़ा दे, वो लोभ को बढ़ा दे, वो कामनाओं को बढ़ा दे, ये अलग बात है, लेकिन भाव तो उत्पन्न होगा 100%। इसीलिए ब्रह्म को भावातीत माना गया, इस संसार से परे है, भाव सागर से परे, भावातीत विशुद्ध अवस्था में। ठीक, विषम अवस्था में तो प्रकृति है, सब कुछ प्रकृति की सत्ता है। प्रकृति की सत्ता कहने का मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया की सत्ता है, एक्शन रिएक्शन की सत्ता है, कर्म फल की सत्ता है। ठीक है, तो ग्रहों का प्रभाव उस पर्टिकुलर प्लेस पर किस एंगल से पड़ रहा है और किस भाव में पड़ रहा है, जब इसका अध्ययन किया जाएगा, जब मुहूर्त का अध्ययन किया जाएगा कि इस समय इस स्थान पर शुभ मुहूर्त आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुहूर्त कैसे आएगा, ग्रहों से। आप जितने भी पर्व त्योहार मनाते हो, सनातन धर्म में जितने भी पर्व त्योहार मनाए जाते हैं जो सनातन धर्म से संबंध रखते हैं, वो सब के सब ग्रहों पर ही निर्भर हैं, राशियों पर ही निर्भर हैं। यहां तक कि जो महीनों के नाम है वो नक्षत्रों के नाम है। नक्षत्रों में ग्रहों का गोचर होने से ग्रहों का प्रभाव भी अलग अलग आता है नक्षत्र के हिसाब से। इसीलिए कई बार क्या होता है कि किसी राशि में अगर कोई ग्रह बैठ जाए, शत्रु ग्रह जाकर बैठ जाए, उस राशि के स्वामी का शत्रु ग्रह अगर उस राशि में जाकर बैठ जाए और फिर भी बुरा फल ना दे, ऐसा होता है कि बुरा फल नहीं देता, किसी के जीवन में बहुत बुरा फल दिखाई देगा उसी सिचुएशन में। मान लीजिए कि कर्क राशि के अंदर राहु का वास है, राहु जाकर बैठा हुआ, लेकिन अगर राहु पुष्य नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ, क्योंकि कर्क में पुष्य नक्षत्र भी लगेगा, ठीक है, तो राहु अगर पुष्य नक्षत्र में बैठा हुआ है तो प्रभाव में कमी ला देगा, नेगेटिविटी में कमी ला देगा थोड़ी सी, क्योंकि अपने स्वामी शनि के नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ, ठीक, असर पड़ेगा, मतलब प्रभाव पड़ेगा। हम पूरी तरह से क्या सिचुएशन है, अगर कोई ग्रहण नहीं लग रहा है राहु के कारण तो फिर वो निश्चय ही कमी लाएगा अगर पुष्य नक्षत्र में, दूसरे नक्षत्रों में अगर शत्रु नक्षत्रों में है तो ज्यादा नुकसान करेगा। तो ये जो है इस तरह से हमें फिर देखना पड़ता है ज्योतिष, यहां पर ज्योतिष आ गया, एस्ट्रोलॉजी शुरू हो गई यहां, ठीक है। जब आपने किसी पर्टिकुलर प्लेस पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर एंगल निकालने के बाद, जहां तक आपने एंगल निकाला वहां तक एस्ट्रोनॉमी है, वहां तक फिजिक्स, ठीक है, उसके बाद जब आप उसका प्रभाव, आप उसका फल देना शुरू करोगे कि नहीं यहां पर अगर इस ग्रह का प्रभाव इस एंगल से आ रहा है तो फिर वह ऐसी चीजें पैदा करेगा, वह नुकसान करेगा, अब उसमें लग्न कैसा है, राशि चंद्र राशि कैसी है, सारी चीजों को देखते हुए जब हम उसका फल जीवन पर निकालना शुरू करेंगे तो 100% वो सभी धन भाव है, विद्या भाव है, प्रेम भाव है, ठीक है, मृत्यु भाव है, रोग ऋण, सारी चीजें भाव के रूप में हमारे सामने विद्यमान है इस भाव सागर के। तो इस संसार में ग्रहों का प्रभाव नहीं आता, आता ही आता है, नहीं आने का प्रश्न ही नहीं उठता, आता ही आता, ठीक है। तो ये तो पहले आप निश्चित कर लो। अब यहां पर एक दूसरा प्रश्न आता है, मुझे लगता है कितना पर्याप्त है कि ग्रहों का प्रभाव कैसे पड़ता है और पड़ता है कि नहीं पड़ता है इसको समझने के लिए 100%। क्या सूर्योदय का प्रभाव पड़ता है मुझे बताइए, क्या सूर्यास्त का प्रभाव पड़ता है जीवन पर, आपके भावनाओं पर। अभी एक मुझे एक लड़की ने फोन किया मुंबई से, उसने कहा कि मैं जैसी शाम होने लग जाती हूँ तो पता नहीं क्यों मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और सारा दिन डिप्रेशन में रहती हूँ, और सुबह तो मैं इतना सोचती हूँ जैसी मॉर्निंग होती है मैं अपने बेड से उठ नहीं पाती हूँ और मुझे विचारों के का जो भूत है मेरे ऊपर सवार हो जाता है सुबह सुबह, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पता नहीं मेरे सिर दर्द भी होने लग जाता है, इतने थॉट्स मुझे आते हैं मॉर्निंग के टाइम और परेशान करते हैं मुझे। ऐसा नहीं कि मुझे, जबकि मॉर्निंग का टाइम है मुझे अच्छा लगना चाहिए था, लेकिन जैसी शाम होती है मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ और बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से है, क्या है ये मत सोचिएगा, आपके मन पर, आपके विचारों पर सूर्योदय, सूर्यास्त, पूर्णिमा, अमावस्या, इन सब का प्रभाव आता ही आता है, नहीं आने का प्रश्न नहीं उठता, ठीक है। तो ये पहले तो आप ये इस यह विज्ञान है, यह विज्ञान यह आता ही आता। अरे भाई एक बात बताइए, किसी सुंदर, एक सीधी सी बात है, तुम किसी
सुंदर व्यक्ति को देख लो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उसके अंदर कुछ प्रभाव है आपके अंदर, उसका असर आता है कि नहीं आता, आपके विचारों में आ जाएगा, आपके माइंड पर आएगा ही है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें थोड़ी समझनी होगी, तो प्रभाव आया कि नहीं आया। वैसे ही ग्रह हम इन आंखों से नहीं देख पा रहे, सूर्य और चंद्रमा ये दो ग्रह हम देखते हैं, मंगल को भी आंखों से देख सकते हैं, मंगल को भी हम इन नेत्रों से देख सकते हैं, शुक्र भी नजर आता है अगर सही से देखा जाए, दूरबीन लगाकर देखो या फिर कोई जानकार व्यक्ति आपको पॉइंट करने वाला बताए कि यहां पर शुक्र ग्रह है, तो शुक्र भी आप देख सकते हैं, चमकीला सा ग्रह, सुंदर सा शुक्र, ठीक है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो ग्रहों का प्रभाव 100% आता ही आता है, जो ज्योतिष के अनुसार जो है। अब क्या है इसमें, अब दूसरा पॉइंट ये बनता है कि कर्म सिद्धांत, अगर ग्रह ही सब कुछ दे रहे हैं तो कर्म सिद्धांत कहां पर गया? एक बार ध्यान रखिए कि कर्म सिद्धांत सबसे ऊपर है, कर्म सिद्धांत सबसे ऊपर है, कर्मों से ऊपर कुछ ना कोई ग्रह है, ना कोई वरदान है, और ना ही कोई श्राप, ना ही कोई श्राप। ठीक है, अब आप यहां पर एक तर्क दोगे, क्या पता क्या किया जाए, मूर्खता अनंत होती, मूर्खता जो होती है ना वो अनंत होती, देयर इज नो लिमिट, इनफाइनाइट, स्टुपिडिटी इज इनफाइनाइट, उसका कोई बताया नहीं जा सकता उसको। तो अब जो है एक फलाने व्यक्ति ने, शायद मैं उनको ये बोलो तो उनको शायद बुरा भी लगे, अभी कुछ दिन पहले उनसे वार्तालाप हुई थी, कुछ उनका नाम है, मैं उनका नाम ले लूंगा तो एक संप्रदाय का भी नाम उससे जुड़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने अपने नाम के बाद जो टाइटल लगा रखा है वो तथाकथित संप्रदाय का ही टाइटल लगा रखा है, वो सनातन धर्म के ही परंपरा से ही जुड़े हुए व्यक्ति हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई विदेशी परंपरा से जुड़े हुए व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन छोड़ दीजिए उनका नाम नहीं लेता हूं। तो वो मूर्खता अनंत होती है, क्योंकि लोग हमारे हमारे मसीहा ने, हमारे संस्था के मुखिया ने ऐसा कहा है, दैट एंड, वो खत्म हो गया, वहीं पर सारी बात खत्म होती है, उसके आगे जानने की जरूरत नहीं। ये गुरुडम जो है ना बहुत घातक है इस देश के लिए और मानव भारतीयों के लिए, इसको खत्म कीजिए, ठीक है, ये जो गुरुवाद है इस तरह का। हाँ, गुरु जरूरी है जीवन में, गुरु का महत्व है, गुरु गुरु होता है, गुरु और शिक्षक में भी बहुत बड़ा फर्क होता है, ठीक है, इन सब बातों को समझना चाहिए। तो अब जो है उन महानुभाव ने, वो नहीं मानते थे ग्रहों के प्रभाव वगैरह को, बिल्कुल सीधा नकारते थे, क्यों, नकारने के पीछे कारण क्या है कि हमारे जो गुरु जी हैं उन्होंने जो लिख दिया है, उनकी किताब आखिरी किताब है, उनका लॉजिक आखिरी लॉजिक है, और उनकी बातें आखिरी, द एंड, उसके आगे हमको सोचने की जरूरत नहीं, इस तरह का विचार, और बस उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाओ और फिर सहज अवस्था और कई तरह की बातें करेंगे। तो ऐसे अनेक प्रकार के लोग, ठीक, तो प्रभाव तो जीवन पर आता ही आता है, समझ गए, लेकिन ये अच्छी बात है कि उनको मैंने कुछ चीजें बताई तो उनको थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई, पूरी तरह से बातों को नकारा नहीं जा सकता बिना अनुसंधान के, सिर्फ इसलिए कि फलाने गुरु जी ने कह दिया तो अब हमें अनुसंधान करने की जरूरत नहीं, उन्होंने कह दिया तो हमें अनुसंधान करने की जरूरत नहीं, ठीक है, देख लीजिए, अनुसंधान अपना करना ही चाहिए। तो अब जो है माने, कुछ बातों को उन्होंने स्वीकार कर लिया, मान लिया, उनका मत था कि नहीं, जब कर्म ही परे सर्वोपरि है तो ग्रहों को मानने की कोई जरूरत ही नहीं, ज्योतिष को मानने की कोई जरूरत ही नहीं, तो जो होना है कर्म से होना है। तो एक बात बताओ, जब होना है कर्म से ही होना है तो कृष्ण व्यर्थ में क्यों अर्जुन को युद्ध में लगाया जाए, जो होना है वो हो जाए, जो लिखा होगा वो हो जाए, युद्ध करने की क्या जरूरत है, यह भी तो उपदेश हो सकता है ना कृष्ण का यह भी तो उपदेश हो सकता है ना, लेकिन ऐसा उपदेश तो नहीं है। तो इसीलिए ऐसी सोच कर्म का, जिसके पास मीमांसा की विचारधारा है, अब मीमांसा दर्शन जो है, मीमांसा शास्त्र, इसका संबंध ज्योतिष के साथ बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग रिलेशन है ज्योतिष के साथ मीमांसा का, कर्म का। चाणक्य इतने सफल क्यों हुए, इस संपूर्ण भारत को संगठित करने में चाणक्य इतने सफल क्यों हुए, क्योंकि चाणक्य आसमानी बातें बहुत कम करते थे और धरती की बातें ज्यादा करते थे, कर्म सिद्धांत को ज्यादा लागू करते थे, ठीक है,
हो सकता है आप कहोगे कि हम उपाय नहीं करेंगे, ग्रहों का उपाय करने की क्या जरूरत है। हाँ ठीक है, उपाय के नाम पर पाखंड बोध, ज्योतिष के नाम पर ज्योतिष का सही ज्ञान ना होने के कारण, अधूरा ज्ञान होने के कारण पाखंड बहुत है ज्योतिष के नाम। उपाय बताने वाले खुद नहीं जानते कि उपाय क्या होता है और रटी हुई विद्या से उपाय बताते। देख लीजिए, ज्योतिष एक अध्यात्म विद्या है, ये मत सोचकर बैठ जाइएगा कि ज्योतिष का ज्ञान मात्र किताबों को अध्ययन कर लेने से हो जाता है। जी नहीं, अगर ज्योतिष में एक्यूरेट बनना है, सही बनना है, साधना बहुत जरूरी है। अगर कोई ज्योतिष ये सोचता है कि मैं ध्यान नहीं करूंगा, किसी प्रकार की साधना नहीं करूंगा, सिर्फ अध्ययन कर 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 ही मैं सारी चीजें जान जाऊंगा, तो अध्ययन करने से आपको जनरलाइज चीजें मिल जाएंगी। स्पेसिफिक पॉइंट्स जो हैं हर मनुष्य की अलग अलग होती है। इसीलिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि आप ज्योतिष पर वीडियो बनाया कीजिए कि कौन से ग्रह कैसा प्रभाव देते हैं। जी नहीं, इसका कोई अंत नहीं है, कौन सा ग्रह ग्रह कैसा प्रभाव देगा, कौन सा ग्रह किसी के जीवन में कैसा प्रभाव देगा, इस बात का कोई अंत नहीं है। जितनी कुंडलियां हैं, हर ग्रह हर कुंडली में अलग अलग प्रभाव लेकर आता है। हाँ, एक जनरलाइज सिद्धांत होते हैं जिसे हम सिद्धांत ज्योतिष कहते हैं, यह ग्रह ऐसा है, इस ग्रह की ऐसी प्रकृति है, इस ग्रह की ऐसी प्रकृति है, लेकिन किस भाव में, किस गोचर में, किस दशा में, किस तरह से फल देना शुरू करेगा, या हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग आने वाला है, एक जैसा नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी फल को, कोई भी वीडियो ज्योतिष के ऊपर बनाना अच्छी बात है, जागरूकता लाने के लिए बनानी चाहिए। और यूट्यूब पर तो भरे हुए ना चैनल, तो जरूरी थोड़ी ना कि मैं भी ज्योतिष के वीडियो बनाऊं, भरे हुए आप देख सकते हो कौन सा ग्रह कैसा प्रभाव, लेकिन उनको सुनकर आप ज्योतिषी बनने का प्रयास ना करें तो बेहतर है। जब तक गहन अध्ययन भी हो और साधना भी हो, साधना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे साधक हैं, योग्य साधक हैं, योग्य कहने का मतलब सिद्धि की ओर गमन करने वाले, जिनका जिनकी जो चेतना अधिक विकसित हो रही है, वह ग्रहों की सूक्ष्मता, ग्रहों की जो सूक्ष्म प्रभाव है, सूक्ष्म शरीर के द्वारा पकड़ा जा सकता है, ऑरा के द्वारा पकड़ा जा सकता है। ऑरा के द्वारा आप ग्रहों के प्रभाव को पकड़ सकते हैं कि हाँ इस ग्रह का प्रभाव आ रहा है। चक्रों का संबंध, ये जो सात चक्र है, इनका संबंध सात ग्रहों से होता है। ठीक है, तो यह सारी बातें आप समझ लीजिए। ऑरा का, अगर आपने अपने सूक्ष्म शरीर को जान लिया है अपनी साधना से, अपने योग बल से, तो निश्चय ही आप ग्रहों के, सूक्ष्म शरीर पकड़ लेता है ग्रहों का प्रभाव। तो जो योगी होते हैं, ऐसे ही हमारे देश के अंदर एक योगी हुए, श्री श्री परमहंस योगानंद के गुरु थे युक्तेश्वर गिरी, श्री श्यामाचरण लाड़ी महाशय के शिष्य युक्तेश्वर गिरी। उनके बारे में कहते हैं कि कोई उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता, या फिर उनका कोई नजदीकी शिष्य भी होता या शिष्य के परिवार का सदस्य भी होता, तो वो उसको बोल देते कि तुम इस रंग के कपड़े पहनो, इस रंग के कपड़े मत पहनो, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तुम अपना घर बदलो। ठीक है, नहीं तो घर के अंदर कोई दोष है, वो दोष भी बता दिया करते थे, घर में क्या दोष है, तो हो जाए। युक्तेश्वर गिरी एक योगी थे, अष्टांग योग के साधक थे और सिद्ध थे, यहां तक कि सूक्ष्म शरीर से गमन कर सकते थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे। आप श्री श्री परमहंस योगानंद की जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है, वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक है, आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कई सिद्धों की चर्चा उस पुस्तक के अंदर की गई। तो लेकिन युक्तेश्वर गिरी, श्री श्री युक्तेश्वर गिरी जी, वो किसी को भी देख कर बोल दिया करते थे कि तुम्हारे ऊपर इन ग्रहों का प्रभाव, इस रंग का बुरा प्रभाव आ रहा है। ठीक है, और उसको उसका उपाय भी बता दिया करते थे कि भाई ऐसा ऐसा कर लो, ठीक हो जाए। हो सकता है कि इस उपाय से ही ठीक होना हो, कर्मों का प्रभाव कोई रोक नहीं सकता, यह निश्चित। और जिनको भोगना होता है उनको ज्योतिष पर जल्दी विश्वास भी नहीं पड़ता, उनको उपाय बता भी दिया जाए तो उनका उपाय लगता नहीं। एक भाई साहब बता दूं मैं उनको, जो है क्या हुआ कि अपने काम काज में बिजी रहते थे, बहुत सारे उनके काम थे, मैकेनिक का काम करते थे और कारों को ठीक करना उनका कार्य होता था, उनका चंद्रमा बड़ा खराब था।
देखिए चीजें कर्म किस प्रकार, कर्म बहुत प्रभावशाली होते, कर्म तो ले ही आएगा चीजें, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि हो सकता है कि उपाय से ठीक होना। आदि गुरु शंकराचार्य 8 वर्षों में उनकी मृत्यु थी, संन्यास योग से ठीक होना था, संन्यास योग से जीवन की रक्षा होनी थी, उन्होंने संन्यास लिया, ठीक हो गए 8 वर्ष की उम्र में। मृत्यु टली 16 वर्ष, डबल हो गई 8 8 16 में चली गई मृत्यु। जब 16 में चली गई वहां देव योग से ठीक होना था, और देव योग हुआ वेद व्यास जी के द्वारा, और वो उम्र दुगनी हो गई 32 वर्ष। 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने समाधि ले, अपने देह का त्याग किया। धर्म प्रचार करने के बाद भगवान भाष्यकार ने कई भाष्य दिए। तो जब वो सत्ता भी आएगी ना, श्री रामचंद्र के लिए भी कहा गया ना कि कर्म का होना कोई सुख दुख करदाता, निजकृत कर्म भोग संप्राता। श्री कृष्ण भी कर्मों का विधान रख रहे हैं, समझाए जा रहे हैं भैया होता है कर्म तो है ही। जो इस सिस्टम में आ गया अब वो चाहे अपनी मर्जी से आया, अपनी मर्जी कहने का मतलब मात्र सिद्ध योगी ही अपनी मर्जी से आ सकते हैं। वो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं, वो बंधन में नहीं करते शरीर, लेकिन करते हैं। जब आ गए तो उसके सिस्टम में चलना पड़ेगा। गाड़ी में बैठ गए, अगर आप गाड़ी में बैठ गए तो अब गाड़ी के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप सोचो कि अपने हिसाब से चलोगे, ये संभव नहीं है। तो जो इस प्रकृति में आ गया, जो इस धरती पर जन्म ले लिया, शरीर धारण कर लिया, वो ग्रहों के प्रभाव में है, वो नक्षत्रों के प्रभाव में है, वो माया के प्रभाव में वो है, वो उसका छोड़ नहीं सकता, उसका प्रयोग कर सकता है। तो गाड़ी में बैठने वाले दो तरह के लोग होते हैं, एक ड्राइवर होता है और एक पैसेंजर होता है। पैसेंजर परवश है, पैसेंजर की कोई मर्जी नहीं चलती। हाँ, ड्राइवर को ये छूट है कि वो अपने हिसाब से थोड़ा गाड़ी चलाएगा। तो ये सिद्ध पुरुष वही है जो ड्राइवर है, जो अपने हिसाब से थोड़ा चलाना जानते हैं, लेकिन नियम तो गाड़ी का ही चलेगा। गाड़ी का जो नियम है, क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर, स्टेरिंग, गियर, उसके ये नियम के अंदर आते हैं और उसी नियम से चलती है चीजें। तो उसी नियम से उस ड्राइवर को भी उसी नियम में ही चलना पड़ेगा। उसको स्वतंत्रता है, स्पीड बढ़ा दे, स्पीड घटा दे, ब्रेक ले ले, ठीक है। तो सिद्ध पुरुष जो है वो ड्राइवर है, जो लोगों को गाइडेंस देते हैं, सही रास्ते पर ले जाने का काम करते हैं। इसीलिए किसी भी चीज को बिना अनुसंधान, बिना समझे, बिना अनुभव किए मत नकारिए, जानने की कोशिश कीजिए। कभी विलियम क्रुक्स को पढ़िए। विलियम क्रुक्स बहुत बड़े भौतिक विज्ञान के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए। कैथोड रे ट्यूब उन्होंने इन्वेंट किया था। प्रेतात्मावाद पर उनका बहुत बड़ा रिसर्च है, प्रेतात्मा, पैरानॉर्मलिज्म पर उनका बहुत बड़ा अनुसंधान है विलियम क्रुक्स का, इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। कि बिना अनुसंधान, विदाउट एनी रिसर्च, बिना ईमानदारी से अनुसंधान किए, निरपेक्ष भाव से, पक्षपाती होकर अनुभव नहीं, हमको तो यही मानना है और यही प्रूव करना, पहले ही डिसाइड कर चुके हैं यही मानना है, यही प्रूव करना, तो अनुसंधान क्या खाक करोगे, रिसर्च क्या खाक करोगे फिर। तो इसीलिए ज्योतिष का प्रभाव निश्चित रूप से आता है। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष मतलब ज्योति, रोशनी, ग्रहों से जो रोशनी आ रही है उसका अध्ययन करना। किसी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर, किसी निश्चित स्थान पर क्या पड़ रहा है प्रभाव, उसका सही से अध्ययन करना, यह ज्योतिष। फिर जीवन पर उसका प्रभाव क्या कैलकुलेट करना, रोग ऋण ये सारी चीजें भावनाएं हैं, भावयुक्त है। रोग हो गया, ऋण हो गया, कुटुंब हो गया, वाणी हो गया, धन हो गया, पराक्रम हो गया, सहज हो गया, माँ का भाव, प्रॉपर्टी का भाव, ये सारे हमारे 12 भावों की गणना जो आती है। तो इसी इस बात को समझिए और समझकर चलेंगे। और कर्म तो जरूरी है, कर्म का ग्रह भी, अगर ग्रह भी जो समीकरण बनाते हैं वो कर्मों का फल देने के लिए बनाते हैं। लेकिन अगर कोई उपाय काम करता है, अगर कोई समाधान मिलता है, समाधान या तो मिलेगा नहीं। जैसे मैं अभी एक भाई साहब के बारे में बता रहा था कि भाई वो मैकेनिक का काम करते थे, उन्होंने मोती धारण कर रखा ताकि चंद्र, कोई भी रत्न धारण किया जाता है ग्रह के प्रभाव को बढ़ाने के, कम करने के लिए। अगर कोई ग्रह खराब है तो उसका रत्न नहीं धारण किया जाता। जो योग कारक ग्रह है और सही स्थान पे बैठे हैं, सही अगर बलाबल में या फिर किसी कारण से अस्त होने के कारण या डिग्री में, अंश में अगर वो कमजोर पड़ते हैं तो उनका रत्न पहनकर उनकी शक्ति को बढ़ाई जाती है। शक्ति को क्या, ये मोती मान लीजिए मैंने ही मोती पहन ली, अब ये जो मोती है क्या यह चंद्रमा है? चंद्रमा तो ये है नहीं, लेकिन चंद्रमा से जो शुद्ध रोशनी निकलती है वो रोशनी इसके अंदर, तो हम क्या करते हैं उस लाइट को बढ़ाते हैं, उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए, उस ग्रह को बढ़ाने के लिए। इसलिए नीलम
शनि के प्रभाव को बढ़ाएगा क्योंकि नीला रंग आपके शरीर को प्रदान करेगा। ठीक है, यह स्टडी से ये किया जाता है। ऐसे ही आपके जो सात चक्र हैं इनके भी रंग होते हैं और चक्रों की जो हीलिंग होती है वो भी रंगों से की जाती है। रंगों का भी बड़ा महत्व होता है। तो ये जो हीलिंग का विज्ञान और ज्योतिष है दोनों ही आपस में एक दूसरे से मिलते जाते हैं, मिल जाएगा। तो ये चीजें हैं, तो इसलिए इनका प्रभाव आता आता है। वो भाई साहब पहनते थे, कोई रत्न पहनते थे अपनी रक्षा के लिए। अब हुआ क्या कि जब कर्म हावी हो जाएगा, देखिए कर्म किस ढंग से काम करता है, कर्म बहुत ताकतवर, कर्म किसी को नहीं छोड़ता, इसलिए कर्मों का ध्यान सबसे पहले रखें। कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि ग्रहों का ध्यान नहीं रखना। ये किसने कह दिया कि नहीं रखना चाहिए ग्रहों का ध्यान? हाँ, लाल मिर्च जो है, अगर मान लीजिए करेला बड़ा स्वाद लाभ करता है शरीर को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आम नुकसान करेगा या मिठाइयां हमें नुकसान पहुंचाएंगी। वो भी शरीर के लिए जरूरी है, वो भी जरूरी है। तो कर्म सिद्धांत तो है, इसका मतलब यह नहीं कि ग्रह सिद्धांत नहीं है। ग्रह सिद्धांत भी है और कर्मों का फल देने के लिए ही ग्रह बनते हैं, तो कई बार ग्रहों का कोई उपाय नहीं, वो इस ढंग से हमें प्रभाव दे रहे होते हैं, बुरा प्रभाव या अच्छा प्रभाव, कि उनका कोई उपाय बनता ही नहीं है। फिर ऐसी स्थिति भी पैदा होती है ज्योतिष ग्रहों की कुंडली के अंदर। ठीक है, लेकिन कुछ उपाय हो जाते हैं, कई बार ग्रहों के उपाय निकल जाते हैं और होते भी हैं। तो ग्रहों का उपाय अगर हम, हो सकता है कि ग्रह उपाय करने से हमें मिलना हो, तो ज्योतिष क्या करता है, ज्योतिष हमें थोड़ा बहुत एक डायरेक्शन दे देता है लाइफ का, एक डायरेक्शन हमें देता है, एक दिशा प्रदान करता है, ये दिशा है। ये चीजें हमारे सामने आने वाली, इस प्रकार के हर्डल्स आने वाले, क्या एग्जैक्टली वही आने वाली है? जी नहीं, कर्म सिद्धांत से आएगा, जो आएगा कर्म सिद्धांत से आएगा, लेकिन ज्योतिष एक दिशा दे देगा, एक इंडिकेशन दे देगा, एक संकेत दे देगा कि ऐसी ऐसी चीजें होनी है, होनी है। अब तथाकथित जो जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, वो कोई रत्न धारण करते थे जिससे कि उनका एक्सीडेंट वगैरह होता, तो मंगल के दोष के कारण एक्सीडेंट ज्यादा होता है, मंगल और शनि के कारण, तो वो होया करता था, परेशान रहते थे, और काम ऐसा था जहां हर बार वो गाड़ियों में काम करते, कार चलानी है, बाइक चलाना है, इस लाइन में उनका सारा काम है, अब करें क्या। तो एक बार क्या हुआ, सच्ची घटना है, अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, अब वो इस संसार में नहीं है। हुआ क्या कि अपनी मृत्यु के लगभग पांच दिन पहले ही घटना घट गई, थोड़ी सी लापरवाही उन्होंने कर दी, जो भी हो इसका कारण, अब जो होना है जिस समय जो घटना घटनी है घटनी है। देखिए ग्रह इतने ताकतवर हैं और कर्म का सिद्धांत इतना ताकतवर है कि वो सब कुछ आपको उस सिचुएशन में ले आएगा जहां पर घटना घटनी है। ठीक है, तो ओवरऑल तो कर्म ऊपर ही रहेगा हमेशा, ग्रह ऊपर हो जाएंगे ऐसा नहीं है, ग्रह बस एक संकेत आपको देंगे, आप उसकी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, ये ज्योतिष का उद्देश्य, और कई बार सहायता बहुत बड़े रूप में आती है, छोटी मोटी सहायता नहीं होती ज्योतिष से, बहुत बड़ी सहायता भी संभव होती है, कायाकल्प जैसी स्थिति हो जाती है ज्योतिष के प्रभाव से और ज्योतिष की सहायता से। ठीक है, तो उन भले मानस ने क्या किया कि अपना काम वो कर रहे थे, काम करते करते कुछ अपने मैकेनिक का काम था उनका, तो हाथ जिस उंगली में उन्होंने अपनी रत्न पहने हुए थे, बहुत बड़ा सा रत्न मंगल का पहन रखा था, कुछ इस तरह से था, तो अब वहां पर कट गए, वहां से खून निकलने लगा। अब अंगूठी के कारण थोड़ी सी वहां प्रॉब्लम होती थी, उन्होंने अंगूठी निकाल, एक उपाय वो कर सकते थे कि अंगूठी को लच्छा बनाकर गले में बांध लेते, ऐसा भी कर सकते, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, खोल कर रख दिया। और पांचवें दिन कहीं से उनको कॉल आया कि मेरी गाड़ी देखनी है, आप आ सकते हैं क्या। उन्होंने अपनी बाइक ली और बाइक लेकर वो निकले और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ, जबकि उनका मानना था कि जब से मैंने ये रत्न पहना है तब से मेरे एक्सीडेंट वगैरह में बहुत कमी आ गई है, मुझे ऐसी चीजों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, नहीं तो पहले मुझे हर हफ्ते मेरा एक एक्सीडेंट हो जाया करता था, कहीं दूसरे को चोट लग गया तो कभी मुझे थोड़ा चोट लग गया, ये चलता ही रहता। तो अब जो है उनका बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद फिर भी वो 3 महीने जीवित रहे और
3 महीने बाद उनकी मृत्यु, ऐसे भी देखने में। तो क्या प्रभाव था कुंडली में, रत्न पहनते थे, इस तरह की चीजें भी देखने में आती है। कर्म ताकतवर है। अगर मान लीजिए कि कोई अंगूठी आपकी रक्षा कर रहा है, कोई रत्न, कोई ग्रह का प्रभाव आपको, आपने उसको बढ़ा दिया, किसी शुभ ग्रह के प्रभाव को आपने बढ़ा दिया, बढ़ाकर अपने, ठीक है, आप थोड़ा सा लाभ आपको मिलना था, मिल गया, प्रभाव बढ़ा लिया, कर्मों में था तभी प्रभाव बढ़ा लिया। अगर उसका प्रभाव खत्म हो गया, किसी कारण से आपको अंगूठी निकालनी पड़ी, किसी कारण से आप ऐसी परिस्थितियों में चले गए जहां पर चंद्रमा का प्रभाव आपको नहीं मिलने वाला है, तो फिर क्या होगा, अभी तो होगा। तो कर्म ताकतवर हमेशा ही ताकतवर है, वो आपको वहां पहुंचा देंगे जहां आपको पहुंचना है, उस फल को आपको दे देंगे। लेकिन क्या कर्मों में फेरबदल होता है क्या? अब एक यहाँ पर एक प्रश्न आता है, हो सकता है क्या? जी हाँ, इसीलिए प्रायश्चित कर्म का भी विधान आता है। मान लीजिए कि किसी के ऊपर बहुत पाप कर्म हावी है और उसे उसका बुरा फल भोग रहा है, बहुत गरीबी में है, बहुत दयनीय अवस्था है, लेकिन उस दयनीय अवस्था में रहते हुए वो पुण्य कर रहा है। दयनीय अवस्था में भी रहते हुए वो क्या कर रहा है? पुण्य कर रहा है। उसके पास धन की बहुत कमी है, लेकिन फिर भी चोरी करने का मौका मिलने पर वो चोरी नहीं करता, वो अपनी गरीबी को झेलने के लिए तैयार है। उसे भिखारी बनकर जीना पड़े, लेकिन वो पाप कर्म नहीं करेगा। वो ऐसा संकल्प लेकर अगर वो जीवन जीता है तो निश्चय ही उसके पाप कर्मों में भी कमी आएगी, कि पुण्य कर्म उसको बढ़ेंगे, उसके प्रभाव में कमी आएंगे। अब तीसरा विकल्प क्या है? अध्यात्म, साधना, योग, जो सभी ग्रहों का समाधान है। सभी ग्रहों का समाधान है ध्यान योग जो है, वो सभी ग्रहों के दुष्प्रभाव का समाधान है। क्यों? क्योंकि आपको वो स्थूल से उठाकर सूक्ष्म की ओर ले जाता है, आपको व्यक्त से उठाकर अव्यक्त की यात्रा करवाता है ध्यान योग। अव्यक्त के ऊपर ग्रह का प्रभाव नहीं होता, ध्यान रखिए, वह जो अव्यक्त है उसके ऊपर, जो परम अव्यक्त है उसके, वो ग्रहों के प्रभाव से सर्वदा मुक्त है। ग्रहों के प्रभाव में प्रपंच आता है। प्रपंच, प्रपंच क्या है? पंचभूतों की पूर्व जो उत्तरी अवस्था है, पंचभूतों की जो सृष्टि है उसे हम प्रपंच कहते हैं। प्रपंच के ऊपर ही ग्रहों का प्रभाव है, ये ध्यान रखिए। जो परम अव्यक्त है वह ग्रह प्रभाव से मुक्त है। तो ध्यान योग सबसे बड़ा उपाय है। राहु खराब है, शनि खराब है, शनि देव खराब है, शनि को शनि देव कहना चाहिए क्योंकि वो देव है, न्याय देना सबसे मोस्ट रियूड प्लैनेट मानते हैं, लेकिन अगर देता है तो अच्छे से देता है, थप्पड़ फार के देता है। इसीलिए हाथों में भी जो शनि रेखा है उसे आप भाग्य रेखा कहते हैं, ठीक। शनि खराब है, ध्यान योग अपना लो, भोगों से दूरी बना लो, जितने भोगी बनोगे शनि उतना दंडित करता, ठीक है। भोगों से दूरी बना लो, अगर बना लोगे, अगर शनि खराब है, भोगों से दूरी बना लोगे और ध्यान योग की यात्रा शुरू कर दोगे तो बड़े से बड़े दुष्प्रभाव ग्रहों के कम होने लग जाएंगे। अगर रहेंगे भी तो बाहरी रूप से रहेंगे, आपका मन उससे प्रभावित नहीं होगा, आपके विचार उससे प्रभावित नहीं होंगे। तो ध्यान योग तो सारे ग्रहों के समाधान का साधन बनना शुरू कर देता है। लेकिन अब क्या ध्यान योग के भी ग्रह होते हैं? जी, कई बार ग्रहीय समीकरण ऐसा हो सकता है कि ध्यान करने में बाधा उत्पन्न करे, और कई बार ग्रहीय समीकरण ऐसा हो सकता है कि ध्यान योग में सहायक हो जाए, होता है। लेकिन फिर भी इतनी स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य को होती है कि वो ध्यान योग का प्रारंभ कर सके, वह ध्यान योग का प्रारंभ कर सके, होती है। अगर करता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ग्रहों को नियंत्रण करने में उसे सहयोग प्राप्त होता है, उसे सहायता मिलती है, ठीक है। ये आप समझिए, इस विषय को समझिए। तो इसलिए मनुष्य, उसे कोशिश करना ही चाहिए, उसे कदम बढ़ाना ही चाहिए। अगर माने कि कुछ ग्रह बाधा उत्पन्न करते हैं तो उनका भी निराकरण करना चाहिए, तो वहां पर उपायों का सहारा लेना ही चाहिए, ठीक है। तो आध्यात्मिक
रूप से अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं सांसारिक आध्यात्मिक रूप से, क्योंकि ज्यादातर जो ज्योतिष है कुंडली विश्लेषण सांसारिक रूप से करते हैं और ज्यादातर जो है सांसारिकता हेतु भोग विषय हेतु ही अपना विश्लेषण करवाते हैं। तो वहां पर पंडित जी लोग जो करते हैं कई ज्योतिष लोग जो है वो फिर लक्ष्यधार भाषा जरूर आती है फिर वहां पर, ठीक है, वहां पर कई बातें फिर फिक्स करके बताई जाती हैं, रट कर कर ही बता दी जाती है कि ऐसा है तो ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज के दो पक्ष होते हैं। अगर कोई ग्रह कुंडली में खराब है तो एक दूसरे पक्ष में वो अच्छा भी होना शुरू हो सकता है। उस पक्ष को अगर समझ लिया जाए और उसकी वृद्धि कर दी जाए तो उस ग्रह को अच्छा कर लिया जाता है। तो इसीलिए समझना जरूरी है। तो बिना आध्यात्मिक विश्लेषण भी ज्योतिष में होना चाहिए, लेकिन कई लोगों को आध्यात्मिक विश्लेषण नहीं चाहिए और कई ज्योतिष भी नहीं चाहते। वो बस कितना धन आएगा, कितनी माया आएगी, रिलेशनशिप खूब बढ़िया होगा कि नहीं होगा, बिजनेस खूब चलेगा कि नहीं चलेगा, यश खूब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ कैरियर खूब अच्छा होगा कि नहीं होगा, बस यहीं तक बातों को सीमित रखते हैं। जी नहीं, ज्योतिष एक अध्यात्म विद्या है, इसको भी समझिए। और जो योगी, कुछ योगी ऐसे होते हैं जिनको ज्योतिष की कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई किताब उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि हमारे सुषुम्ना नाड़ी के साथ एक ज्योतिष पिंड नाड़ी होती है, उसका अगर विकास हो जाए, अगर वह विकसित हो जाए, अगर वह जागृत हो जाए तो उसे योगी को ज्योतिष अध्ययन नहीं करना, वह किसी को देख कर ही पकड़ लेता है कि उसके ऑरा में, उसके आभा में किस ग्रह का प्रभाव प्रवेश कर रहा है उसके जीवन में, वह देख कर ही। और श्री युक्तेश्वर गिरी योगानंद परमहंस के जो गुरु थे, श्री परमहंस योगानंद, उनके जो गुरु थे वह उनके पास ऐसी दृष्टि, और योगियों के पास ऐसी दृष्टि होती है, ठीक है, जिन्होंने अच्छी साधना की वह उसको देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो यह सारा विषय है। तो एक विवेकी की तरह, विवेकी की तरह आप ज्योतिष के विषय को लीजिए और समझिए। अंधविश्वासी मत बनिए, अनुसंधानहीन मत बनिए, ठीक है, बस इतना ही मैं कहूंगा। और समझ कर किसी विषय को इस तरह से मत नकार दीजिए कि नहीं नहीं ये तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। अभी किसी ने मुझे कमेंट किया था कि वेदों की बातें करने से नहीं होगा, वेदों की आज्ञा को जीवन में उतारना होगा। मैंने उन्हें सीधा रिप्लाई किया कि वेद कोई आज्ञा नहीं देते, आज्ञा देना बाइबल और कुरान का काम है, वेद ज्ञान देते हैं, वेद जीवन के सूत्र देते हैं, जीवन रहस्य को प्रकट करते हैं, आध्यात्मिक रहस्य को, वो इंस्ट्रक्शन नहीं देते, वो ऑर्डर नहीं करते। ऑर्डर देना कुरान का काम होगा, बाइबल का काम होगा, लेकिन वेद आज्ञा नहीं देते, ठीक, वेद ज्ञान देते हैं, वेद सूचनाएं देती हैं, वेद हमें इशारा करते हैं, प्रेरणा देते हैं, इस मार्ग पर चलो तुम्हारा कल्याण होगा, ठीक ना। संग छद्वम सम्मतद्वम सम्मो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते समान मंत्र समिति समानी समानम मनः सचित्तमेषां, ठीक ना, हमारा चित्त समान हो, हमारी मंत्रणा समान हो, हमारी सभा समान हो, ठीक है, हमारे हृदय समान हो, समानेन वो हविषाज हो, ठीक है। तो इस प्रकार से इस तरह का उपदेश हमारे वेद देते हैं, एक संस्कृति को हमें वेद देते हैं, वेद हमारे संस्कृति ग्रंथ है, संस्कृति देने वाले ग्रंथ है, ठीक है। तो आंख बंद कर कर कुछ मान लेने से नहीं, और किसी वेदों की कोई एक ऋचा हमने उठा ली और उसको रटना शुरू कर दिया, नहीं पूरा पढ़ो ना, पूरी बात क्या कही गई, उपनिषद क्या कहते हैं किसी एक श्लोक से मत निकाल लो, गीता का मूल भाव क्या है किसी एक श्लोक से ही मत निकाल लो, ठीक है। इस पर हमें विचार करना होगा। और गुरुडम ने, गुरुवाद ने बहुत नुकसान किया भारतीय समाज का, यही कारण है कि भारतीय विद्याओं को विदेशी यूज कर रहे हैं, उन्होंने योगा और आयुर्वेद से टेक्निक्स को चुरा लिया और एक नई नई पैथी बना दी, नेचुरोपैथी उसको लिख दी। अभी पता नहीं वो क्या क्या आपसे ले लेकर नया बना देंगे, आप उनकी चीजों को फिर लोगे, खरीदोगे, क्योंकि आप अपने ज्ञान के प्रति अनभिज्ञ हैं। और आपने गुलामी जब जी तो आपको जो इन्होंने गुलाम बनाकर रखा, उन्होंने आपको बार बार ये समझाया कि योर नॉलेज इज इंफीरियर। भारतीयों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देना बहुत मुश्किल था,
इसलिए मुगलों को बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन अंग्रेजों ने यह बात बहुत भली भांति समझ ली कि इनके अंदर इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भरना कठिन काम है, अगर ऐसा करना है इनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, इनको मारने की जरूरत नहीं है। जहां तक संभव हुआ शुरू में उन्होंने अत्याचार किए हैं, लेकिन बाद में उन्होंने समझ लिया कि भाई मार कर इनको जितना संभव नहीं है, इनका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, इनको कैसे भी इंफीरियर फील कराना होगा। तो वही लॉर्ड मेकाले ने किया, शुरू कर दिया अपना काम कि अगर भाई भारत पर शासन करना है तो उनकी शिक्षा व्यवस्था, उनकी वैदिक व्यवस्था को कैसे भी नुकसान पहुंचाओ, उसको भ्रष्ट करो, खत्म। हालांकि यह परंपरा चल पड़ी थी, मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद ही चल पड़ी थी, लेकिन विचारधारा के प्रचार में अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा काम किया और आपकी विचारधारा को और आपको इन्फीरियर कर दिया भाई। और उन्होंने सीधा फोकस किया उस कास्ट के ऊपर, उस कास्ट के ऊपर जो धर्म को संभालने वाले थे, जो शास्त्रों को संभालने वाली जो जाति हुआ करती थी, जिसे हम ब्राह्मण कहते थे, उन पर सबसे ज्यादा फोकस अंग्रेजों ने किया। उनको अंग्रेजी सबसे पहले सिखाई, ठीक है, उनको अंग्रेजी उन्होंने सबसे पहले सिखाई। तो यह भी ये चीज, और वो सबसे पहले अंग्रेजी बोलने वाले हुए, वो सबसे पहले इंग्लैंड में जाकर बसने वाले हुए और अमेरिका में जाकर। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स भारतीयों के अंदर आनी शुरू हो जाए, वो लाने के लिए उन्होंने भारतीयों को ही खड़ा हुआ, ब्रह्म समाज जैसे संस्थाएं खड़ी हुई कि भारतीय लोग इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो, अपने आप को ही हीन समझे, अपने ही वैदिक ज्ञान को वो गलत समझे और बोले कि गलत बातें, अंधविश्वास की बात, ये समझना शुरू कर। ब्रह्म समाज जैसी संस्थाएं और भी समाज बने थे, ठीक है, जिन्होंने मोटा मोटी यही काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए विवेकी बने, विचारशील बने और अनुसंधान की भावना रखे, किसी चीज पर निष्पक्ष भाव से थोड़ी जानकारी ले, थोड़ा सा अनुसंधान करे, ठीक है। बहुत सारी व्यवस्थाएं आदमी के पास नहीं है, लेकिन छोटी छोटी अनुसंधान तो वो कर ही सकता है। और छोटे छोटे अनुसंधान, जब ग्रेविटेशनल लॉ जब न्यूटन ने ढूंढा, डिस्कवर किया, तो कोई बहुत बड़ा अनुसंधान उसने नहीं किया, एक सेब पेड़ से गिरा था और उसी को देखकर समझ गया था दिस इज द ग्रेविटी, या पृथ्वी का आकर्षण है, इस कारण से सेब नीचे गिरता है, ऊपर नहीं जाता है, उसे बहुत बड़ा लैब की जरूरत नहीं थी। बाद में लैब विकसित हुआ ना, लैब वैब उसने बाद में डेवलप किया, ठीक है। तो छोटी छोटी जो हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, वही बहुत सारी चीजें प्रमाणित करना शुरू कर देती है। इसलिए विचारशील बने, समझदार को इशारा काफी है, बोलने की मैं इस विषय पर और बोल सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जो ग्रहों का प्रभाव कैसे पड़ता है, क्या है, इन सब बातों पर इतना पर्याप्त है। आप इसको सकारात्मक और निष्पक्ष भाव से लेंगे, समझे, तो निश्चय ही लाभ उठाएंगे और अपने जीवन को और अच्छा बेहतर बना पाएंगे, ठीक है, अपने जीवन को और बेहतर बना पाएंगे। चलिए, आप जो है, आपको अगर किसी प्रकार से कोई विश्लेषण कुंडली आध्यात्मिक करना है तो आप समय ले सकते हैं, मुझसे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सेकेंडरी पर रखता हूँ। ध्यान योग का विषय हमेशा फ्रंट में रहता है, अध्यात्म का विषय, तो आप जरूर संपर्क लेकिन कर सकते हैं इस विषय पर भी चर्चा करने के लिए। कई लोग करते भी हैं और मैं उनको कई चीजें बताता भी हूँ, उनको सहायता भी जहां तक संभव है प्रदान करने की कोशिश, ठीक है। तो निश्चय ही ध्यान योग वो शक्ति है जो हमें इस व्यवस्था से ही ऊपर उठा देती है, और ऊपर उठाकर हर तरह के मामलों में, हर तरह के जीवन के जितने भी दुख हैं उनमें वो कमी ला देती है, ध्यान योग की समझ और ध्यान योग की साधना। तो ध्यान योग की साधना करनी ही चाहिए, निश्चय ही करनी चाहिए, लेकिन यह नहीं कह देना चाहिए कि ज्योतिष बिल्कुल व्यर्थ है और कोई उसकी वैज्ञानिकता नहीं है, ऐसा भी नहीं कह देना चाहिए, ठीक है। बस मैं इतना ही इस विषय में कहूंगा, जुड़े रहे, बने रहे। आपको जानकारियां अच्छी लगती हैं इस चैनल के माध्यम से जो दी जाती है, जरूर उसको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आ जाए, अंधविश्वास खत्म हो, लोग गुरु बनाए, गुरुडम ना लागू करें, गुरुडम के जंजाल से अपनी रक्षा करें, गुरुवाद से अपने आप को बचाएं, ठीक है। आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखकर अपने जीवन को जिए, अच्छे से जिए, ठीक है।
इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आज आपके लाइव कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि अपलोडेड वीडियो है, आप जान ही रहे हैं, तो इसीलिए, लेकिन फिर भी आप कमेंट करें, अच्छा कमेंट होगा, अच्छा प्रश्न होगा, तो उस पर चर्चा अवश्य की जाए। बहुत आभार।